तो इसलिए वो कहीं आ नहीं पाई, और आते ही पता चला कि वो मरी हुई है। तो जैसे अभी गांव में कोई थे नहीं, तो जो है डिम्पी को मतलब ऐसे रखना अच्छा नहीं है, तो उसको यहाँ पे कहीं पे हम मिट्टी खोद करके उसके अंदर उसको रख देंगे। डिम कुछ ऐसे छोड़ के चले गए हमें। और यहाँ पे डिम्पी की याद में एक पुष्प जो है हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर और ये खूबसूरत गांव भिंडार विलेज में। और अभी देखेंगे, मैं टेंट के अंदर हूँ। यहाँ देखें, अभी अभी उठे हैं रॉबिन और मैं, और बाहर का मौसम देखिए कितना खूबसूरत अच्छा लग रहा है जंगल के बीचों बीच। और यहाँ पे अभी हम चाय पियेंगे पहले। तो मौसम तो बहुत बढ़िया है, धूप है पूरे भिंडार गांव में। और अभी तैयारी कर लिया हमने पोलना गांव जाने के लिए, पैकिंग सैकिंग सब कुछ हो चुकी है। और अभी हम थोड़ा जो है दर्शन करके आ जाएंगे माँ नंदा देवी के। पहली ख़त्म हो चुकी थी नंदाष्टमी, बट फिलहाल जाएंगे मंदिर पे दर्शन करके वापसी करेंगे और जाएंगे अपने पोलना गांव में। और आज सभी जो है लोग पोलना गांव जा रहे हैं, किसी को नीचे जाना है, कोई जोशीमठ, कोई गोपेश्वर, कोई चमोली, कोई देहरादून, कहीं ना कहीं जहाँ से भी आए हैं गाँव के लोग, तो वो वापसी करेंगे आज। और यहाँ पे देखिए नित्या को हमें बाय करने का समय आ गया है, क्योंकि नित्या रहती है भिंडार में, भिंडार में रहती है नित्या। हेलो कर तो नित्या, हेलो कर, हेलो कर, कर तो हेलो कर, हाय कर। तो नित्या तो चिप्स चबाने पे लगी है सुबह सुबह के टाइम पे, और अभी एक दो महीने यहीं रहेगी, फिर उसके बाद पुलना आएगी, फिर से मिलाएंगे। ठीक है नित्या, ठीक है, बाय तो कर। तो यहाँ अभी हम भिंडार घाटी से हम जा रहे हैं नीचे पोलना गांव। जाते जाते हमारे मिले हैं मोगा से सब्सक्राइबर, जो कि जून में भी आए थे और आज भी आए हैं, हाँ मोगा धर्मपुर से। तो इनसे एक्सपीरियंस जान लेते हैं, कैसा रहा सर आप लोगों का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा जी। हाँ जी, अच्छा रहा। हाँ, आपकी बहुत मेहरबानी जो आप बदलाते रहते हो, जो रास्ता अच्छा है, मौसम ऐसा है, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो से जो जरूर देते हैं। हाँ जी, बाकी सबको देखने का बोलते हैं, सब्सक्राइब बहुत अच्छा है आपका, बताते रहते हो कैसा हमें जाना, सब बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी एक्सपीरियंस बढ़िया था बहुत। ये वीर जी लोग जो है इस साल दो बार ही आ चुके हैं, जून में भी आए थे और ये सितंबर में आए हैं, तो मतलब चढ़ाई है, थकान है, पैदल यात्रा के लिए पहले किया, लेकिन खूब जाने वाला है। हाँ जी, आपको ज्यादा नहीं, बढ़िया रहा, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, चलो ऐसे ही मुलाकात होगी अगले साल भी, मुझे लगा दो बार आएंगे, दो तीन बार, जब तक वाहेगुरु जी बुलाएंगे, तो ऐसे ही तंदुरुस्ती रहे, स्वस्थ रहे, वाहेगुरु जी का आशीर्वाद रहे। ठीक है, वाहेगुरु जी का नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सभी लोग तैयार हो चुके हैं और माई करने का वक्त आ गया है, भाई बहन सबको। ये देखे ताई जी और ये देखे दीदी और ताऊ जी लोग। तो बैग देखो, ताऊ जी का बैग देखो, ट्रैकिंग पे आ रहे हैं, कितना बड़ा बैग है। तो ये है पहाड़ी लोगों की ताकत, बैग देखे ताई जी भी, सभी 7 साल में भी हम इतना ले जा रहे हैं। ये नए बच्चों की ताकत देखो, 20 किलो वाला बैग उठा रहे हैं। ये नए बच्चों की ताकत देखे और नए बच्चों की ताकत देखे, बिल्कुल खाली। ये है इनकी ताकत, ये इनके हाथ में। बाय कर, बाय। मामा बोल, मामा नित्या, बाय कर, बाय कर, कर। तो यहाँ पे देखे सभी परिवार वाले, कोई गोपेश्वर, कोई जोशीमठ, कोई कहीं से, सबसे मिल करके जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर। क्या बात है, तो नित्या भी है, सभी लोग हैं, बाय कर रहे हैं। ये देख, दोस्तों आप कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जैसे सितंबर लगा तो काफ़ी जो श्रद्धालु आए हेमकुंड साहिब यात्रा पे, तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मौसम बिल्कुल अच्छा है,
आप भी आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, रास्ता बहुत अच्छा है, रोड ब्लॉक की दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत होगी बाकी ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम पुल्ला गांव, लगभग 2 घंटे का ट्रैक करके आराम से रुक करके यहाँ देखे व्यू और मौसम बहुत ही बढ़िया। मिच्छू दोस्तों घर पे कोई थे नहीं 2-3 दिनों से, तो मिच्छू को बहुत याद आई, यहीं पे बैठा था चेयर पे आते हुए, सबसे ट्यां 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 करा, मिच्छू मीच ले मीच ले, अरे मिच्छू क्या हुआ, मिच्छू क्या हुआ, मिच्छू क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। दोस्तों पुलना गांव तो पहुंच चुके थे, लेकिन जब यहां आते ही मिच्छू मिला और मिट्ठू भी मिला और कालू भी मिल गया था, उसके बाद जब डिम्पी नहीं मिली तो हमने इधर उधर देखा क्योंकि लोग तो थे नहीं यहाँ पे, तो डिम्पी को आवाज़ लगाई आई नहीं जी, क्योंकि आवाज़ लगाते ही आ जाती है पूछ लाते लाते, क्योंकि कोई था नहीं तो खुशी भी उसे भी होगी, मिली नहीं। हमने ढूंढा इधर उधर तो देखा कि वहाँ पे वो मरी पड़ी थी, बहुत दुख हो रहा है। उसके मतलब बच्चे होने की वजह से शायद उसकी डेथ हुई है, आज ही मुझे लग रहा कि आज या कल रात के टाइम पे ही ऐसा हुआ कि उस बच्चे होने की वजह से जो पेन था उसके पेट में, उसकी वजह से वो बच नहीं पाई। तो दोस्तों देखें यहाँ पे डिम्पी कुछ ऐसे छोड़ के चली गई हमें बिना बताए, बहुत दुख हो रहा है कि डिम्पी ऐसे छोड़ के हमें चले गई और साथ साथ जो उसके बच्चे थे उसके पेट में वो भी बच नहीं पाए, हमसे भी नहीं बचा पाए, क्योंकि ये भिंडार गांव में आती है नहीं, ले जाने की तो कोशिश करते हैं हम, बट जो होता है कहते हैं भगवान की मर्जी होती है। उम्मीद करता हूँ डिम्पी की जो आत्मा है उसको शांति मिले और ऐसे डिम्पी और मिले हमें हमारे गांव में। दोस्तों बहुत सारे लोग डिम्पी को प्यार करते थे, कैसे वो पूछ हिला के आया करती थी पास में, और दुख है कि हमें लेट हो गई, क्या हुआ, क्योंकि वो सभी के मतलब ऐसे डॉग थी कि सभी लोग खाना देते थे उसे, सबके घर पे जाती थी, और कोशिश तो की थी हमने कि भिंडार गांव में उसको ले जाया जाए, लेकिन वो आती नहीं थी कहीं, मतलब घर के आसपास ही रहती थी, तो इसलिए वो कहीं आ नहीं पाई, और आते ही पता चला कि वो मरी हुई है। और सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हो रहा है कि ऐसे समय में उसके साथ कोई भी नहीं था, ना हम थे कोई भी नहीं था, जो भी है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और जो उसके छोटे छोटे बच्चे होने वाले थे उनको भी शांति दे भगवान। तो अभी डिम्पी का जो शरीर है उसको कहीं पे दफनाएंगे कुछ देर में, और डिम्पी जो मम्मी के सबसे करीब रहती थी, याद आ रही डिम्पी की? बहुत याद आ रही है, देखने भी गई, मुझे बहुत याद आ रही डिम्पी की। तो जैसे अभी गांव में कोई थे नहीं, तो जो है डिम्पी को मतलब ऐसे रखना अच्छा नहीं है,
तो उसको यहाँ पे कहीं पे हम मिट्टी खोद करके उसके अंदर उसको रख देंगे डिम्पी को। तो अभी बुलाए थे जो भैया थे जो सफाई कर्मचारी थे, तो उनको बुलाया था, तो यहाँ पे आ गए और गड्ढा वगैरह कर रहे हैं। फिर उसके बाद डिम्पी को डालेंगे, गुड बाय करेंगे डिम्पी को। तो यहाँ पे कर रहे हैं गड्ढा, अभी डिम्पी को इसमें डालेंगे। नमक भी ले आए ताकि जो हड्डी होती है जानवरों की वो जल्दी से गल सके और ज़्यादा बदबू भी ना आए। तो गड्ढा हो चुका है। तो अभी इसमें डिम्पी को उठाएंगे, खट्टा है डिम्पी। अभी देखा कि जो डिम्पी के थे लगभग 3 बच्चे जो है पैदा तो हो चुके थे, बट वो पूरे तरीके से ग्रो नहीं हुए थे और उसकी वजह से शायद डिम्पी की मौत होगी और वो चल बसी। तो अभी डिम्पी को दफनाएंगे और थोड़ा नमक डाल करके। तो दोस्तों फाइनली डिम्पी को यहाँ पे दफना दिया है। यहाँ पे आते रहेंगे डिम्पी की याद में, और बाकी उम्मीद करता हूँ भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके बच्चों को आत्मा को शांति दे, ऐसे ही खुश रहे वो। और उम्मीद करता हूँ आगे भी वो जन्म ले हमारे गांव में, हमारे घर में, और अगली बार से तो पूरे अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिलहाल डिम्पी को करते हैं बाय, गुड बाय हमेशा के लिए। बहुत दुख हो रहा है अभी तक, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि डिम्पी हमारे सामने नहीं है, क्योंकि कल 2-3 दिन पहले ही वो साथ में ही थी, हमारे पास ही थी, खूब खुश होती थी, पूछ लाती थी। बाकी जो भगवान की इच्छा हो वैसे ही होता है, बस अपने जानवरों का ख्याल रखे दोस्तों। दुख है कि ख्याल नहीं रख पाए हम। तो दोस्तों शाम का टाइम है, कुछ ऐसा है, मौसम भी ऐसा है, और मम्मी भी कुछ आज दुखी है, सभी है, पापा भी हैं दुखी, जी जिसको पता है डिम्पी के बारे में, क्योंकि डिम्पी मतलब डिम्पी सिर्फ एक डॉगी नहीं थी वो, मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह थी। हाँ पर्सनल पेट तो नहीं थी वो, लेकिन पर्सनल पेट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सबको बहुत मतलब बहुत समझदार थी, तो इसलिए अच्छी भी लगती थी और सुनती थी, जब भी पुकारो तो तब आ जाती थी। तो यहाँ पे जो डिम्पी के दोस्त हैं कालू और मिट्ठू, वो मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं डिम्पी को, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे वो, जहाँ भी जाते खाते पीते साथ में थे। ऐसा नहीं है कि हम मिस नहीं कर रहे, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। और डिम्पी की इसी याद में जो मेरा प्रिय पुष्प है उसको मैं चढ़ा रहा हूँ डिम्पी के लिए। तो ये फ्लावर है, इसको तोड़ते हैं यहाँ से। और डिम्पी को अर्पित करेंगे, चलते हैं डिम्पी के जो यहाँ पे कब्र है, ताकि हमें हमेशा याद रहे एक जो वफादार और बहुत प्यारा, इंसानों को इंसान से ज़्यादा जो समझने वाली हमारी एक प्यारी सी डॉगी थी डिम्पी। अब बस उनकी यादें रह चुकी है। चलिए मिट्ठू कालू कर रहे हो मिस डिम्पी को, चलो आ जाओ डिम्पी को बाय करने, आ मिट्टू आ जा डिम्पी को बाय करते हैं, आ जा। तो ये देखिए दोनों भी आ चुके हैं डिम्पी को बाय करने के लिए, आइए। तो ये वो जगह है जहाँ पे डिम्पी को आया गया था, तो उसके लिए एक फ्लावर भी अर्पित करते हैं। और यहाँ पे डिम्पी की याद में एक पुष्प जो है हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है, और उम्मीद करता हूँ भगवान यहाँ पे पूरे फूलों का बगीचा हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि डिम्पी की यादों में यहाँ पे जो है फ्लावर और उगा सकूँ,
और एक छोटा सा बगीचा बना दिया जाए डिम्पी के यादों में। तो कालू भी देखे बाय करने आया, बाय कर डिम्पी को, डिम्पी बाय कर तो डिम्पी को। तो अभी कालू लोग जो है ढूंढ रहे हैं डिम्पी को, शायद उन्हें उतना मालूम नहीं होगा कि वो सोई नहीं थी, मर चुकी है हमेशा के लिए। जो भी है, जिसकी जितनी उम्र रहती है वो भगवान के द्वारा तय की रहती है। और यहाँ पे देखिए अब कालू जा रहा है वहाँ पे डिम्पी को, मतलब स्मेल कर रहा है, शायद उसे थोड़ा बहुत ध्यान होगा। कालू क्या कर रहा? तो आज उसी के साथ, उसी का दिन था और कुछ कहा।